हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, स्किन केयर, फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्विक 1 मिनट हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, घर पे रहते हो, जो भी है गाइस, आप लोग ये सारे हेयर स्टाइल्स कर सकते हो खुद। देखना वीडियो को एंड तक। और बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम ब्राइडल कब स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीक से ब्राइडल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। सो आई होप अभी आप लोग सब खुश हो गए होंगे ये सुन के। तो आज का वीडियो, मतलब ट्यूसडे का वीडियो, फ्राइडे का वीडियो, ये दो वीडियोस अभी हेयर के आएंगे। और उसके बाद मतलब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे का जो वीडियो होगा वो होगा ब्राइडल सीरीज का फर्स्ट वीडियो गाइस। सो प्लीज मिस मत करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन में क्लिक करना। नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा नॉर्मल पोनीटेल होता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये लूज होता है, यहां से ऐसे बाल बाहर आने लगते हैं और ये थोड़ा सा सैगी हो जाता है। तो अभी सबके बाल दम के ऐसे थिक तो नहीं होते, राइट? तो हम लोग जब पोनीटेल डालते हैं तो बहुत ही पतला सा लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि एक वॉल्यूम वाला पोनीटेल आप लोग कैसे डाल सकते हो। तो वॉल्यूम वाला पोनीटेल डालने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। अगर आपके कर्ली बाल है गाइस तब भी आप लोग ये हेयर स्टाइल्स कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे ऊपर से एक थोड़ा सा सेक्शन लेना है, इतना ही लेना है, ओके? और फिर इसको कोम कर लीजिए। यहाँ पे कानों के ऊपर, यहाँ पे आपको ये पहला पोनीटेल डालने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो आप लोग रबर बैंड भी डाल सकते हो, चलेगा। बट मैं आप लोगों को आज और एक तरीका भी बताना चाहती हूँ। तो आप लोगों को बस एक बॉबी पिन लेना है, बॉबी पिन के अंदर एक रबर बैंड डालना है और फिर यहां से और एक डालना है। पिन, ये बॉबी पिन के अराउंड मैंने ये जो रबर बैंड अभी डाला है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बॉबी पिन है ये यहाँ पे अंदर ऐसे डाल देंगे, बालों के अंदर बस ऐसे डाल दीजिए और फिर इसके बाद इसको ऐसे रोटेट करना है। ऐसे करोगे तो कभी आपका पोनीटेल लूज नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। तो जितना आप रोटेट कर सकते हो कीजिए, जब ये एंड में आ जाएगा तभी बस ये पिन को ऐसे अंदर अपने बालों में ऐसे पुश कर दीजिए, हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोनीटेल। अभी कभी लूज नहीं होगा, टूटेगा नहीं और एकदम टाइट रहेगा, जैसा है वैसा ही। अभी ये फर्स्ट पोनीटेल होने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड कर लीजिए। जो पीछे के बाल है अभी इसको लेना है हमें, दो इसको ऐसे दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद इसको फिर अभी बीच में रख दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए और फिर आपको बस ये नीचे के बालों का भी पोनीटेल डालना है। तो ये क्या होगा, अभी ये जाएगा ऊपर तो ये आएगा यहाँ पे और यहाँ का जो सेक्शन है यहाँ पे, तो इसको ऐसे कोम कर लीजिए, कोम करके वापस अभी यहाँ पे जब ये आएगा तभी आप देख सकते हो ये इतना ही पतला लग रहा था, बट जैसे ही ये अभी बाल आएंगे तो अभी ये एकदम हाइट भी इसका बढ़ गया है, लेयर्स भी दिखेंगे और ये एकदम ही वॉल्यूम वाला पोनीटेल लगेगा। और फिर इसके अराउंड आप लोग सिर्फ एक रबर बैंड डालोगे तो भी चलेगा, या जैसे मैंने बॉबी पिन में आपको दिखाया है वो किया तो भी चलेगा, जैसे आपको ईजी होता है वैसे आप कीजिए। तो ये बस रबर बैंड डालना है इसके अराउंड और फिर ये हो गया है आपका पोनी टेल फर्स्ट। तो गाइज अभी पोनी टेल तो अच्छा बन गया है बट यहाँ पे रबर बैंड दिख रहा है, राइट? तो उसको हमें हाइड करना है। तो उसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा बाल लेना है नीचे से और इसके अराउंड आपको ऐसे रैप करना है ताकि वो रबर बैंड ना दिखे। और फिर आपका एकदम ही स्टाइलिश भी लगेगा और बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। और ये एंड में जो है ना, एंड में आप लोग ऐसे इसको बॉबी पिन लीजिए, बॉबी पिन इसके अराउंड लीजिए और फिर आपको बस इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे एक बॉबी पिन लीजिए, इसके अंदर डालिए और थोड़े से इसके अंदर ऐसे आपको इसको डालना है, ओके? ऐसे मैंने इसके बीच में ऐसे डाला है और फिर आपको बस इसको ऐसे अपसाइड डाउन उल्टा करके
इसे अंदर पुश करना है। दैट्स इट। और ये हो गया आपका एकदम अमेजिंग सा एक हाई वॉल्यूम वाला पोनीटेल रेडी। तो आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग दिख रहा है, एकदम इंटरनेशनल स्टाइल हाई पोनीटेल हो गया है ये। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, रबर बैंड भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो सेकंड, अगर आप चाहते हो, अगर आपको और वॉल्यूम चाहिए, तो ये थोड़े से बाल ऐसे निकाल सकते हो यहाँ से, और इसके बीच में आपका जो भी क्लचर है, छोटू सा क्लचर आपको ऐसे लगाना है, बीच में रखना है, और फिर इसके ऊपर ऐसे बालों को रखना है। थोड़े ज्यादा बाल लीजिए ताकि दिखे ना क्लचर। और अभी आप देख सकते हो गाइस कितना अमेजिंग सा पोनीटेल बन गया है। तो ऐसे आप लोग हाई पोनीटेल बना सकते हो। पहले के पोनीटेल में और अभी के पोनीटेल में कितना फर्क लग रहा है, कितना अमेजिंग और क्लासी दिख रहा है ये। अभी मैंने फर्स्ट आपको एक नॉर्मल कैसे वॉल्यूम वाला पोनीटेल डालना है ये सिखाया। अभी हम लोग नेक्स्ट, पहले पोनीटेल, पोनीटेल के लिए मैंने आपको बोला है एक बॉबी पिन, दूसरा बॉबी पिन ऐसे रबर बैंड के अराउंड ऐसे डालिए। सबसे पहले पिन को ऐसे अंदर घुसाइए और फिर इसको रोटेट कीजिए। रोटेट करके ये जहाँ तक आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तब तक स्ट्रेच कीजिए। जब भी उसका एंड हो जाएगा स्ट्रेचिंग का ये लिमिट, तभी उसको पिन को ऐसे अंदर की तरफ पुश कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका एक पोनीटेल। सबसे पहले आप लोग पोनीटेल डालोगे, सबसे पहले हमें रबर बैंड को हाइड करना है। तो एक छोटा सा स्ट्रैंड लेंगे और हम लोग रोटेट करेंगे रबर बैंड के अराउंड, और फिर एंड में एक बॉबी पिन लेंगे। बॉबी पिन को बालों में अंदर डालेंगे, थोड़ा सा बाल को ट्विस्ट करेंगे बॉबी पिन के अराउंड, ऐसे ये करके ट्विस्ट करेंगे और फिर बॉबी पिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो ये हो गया है पोनीटेल के अराउंड, अपने बाल भी रैप कर दिए। जैसे आप पोनीटेल के अराउंड रैप करते हो ना बाल, तो बहुत ही क्लीन फिनिश आता है, बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप पोनीटेल डालोगे तो सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेके ऐसे उसको रैप करना है। अभी इसके बाद हमें दो सेक्शंस में बालों को डिवाइड करना है। तो ये सब वन वन मिनट हेयर स्टाइल्स है गाइज, आप लोग एकदम मतलब फटाफट इसको कर सकते हो, ऐसे हेयर स्टाइल्स है ये। फिर अभी एंड में मैं क्या कर रही हूँ, दो रबर बैंड्स डाल एंड में। एंड में डालिए यहाँ पे। तो बस एक पोनीटेल को दो सेक्शंस में डिवाइड किया और एक एंड में, दूसरे सेक्शन के भी एंड में अभी मैं ये रबर बैंड डाल रही हूँ। अगर आपको चोटी नहीं भी बनानी आती है ना, तब भी आप लोग ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे चोटी बनानी नहीं आती है, तो आप लोग ये वाला हेयर स्टाइल करना। अब ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गया है। ये पहला जो सेक्शन है इसको ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कीजिए, और ये अंदर का जो सेक्शन है ना, ये जो नीचे का सेक्शन है ना, ये स्प्रेड आउट किया है ना, उसमें से ऐसे बाहर निकालिए। ठीक है, जो ऊपर है उसको वापस स्प्रेड आउट कीजिए, और जो नीचे है उसको इसमें से बाहर लेके आइए। वापस जो ऊपर है उसको स्प्रेड कीजिए, और जो नीचे है उसको यहाँ से बाहर लेके आइए। वापस जो ऊपर है उसको स्प्रेड कीजिए अच्छे से, जो नीचे है उसको इसके ऊपर लेके आए। ऐसे आपको एंड तक करना है। कितना इजीली आपका एकदम थिक अमेजिंग हेयर स्टाइल बन गया है गाइज। अगर आपके बाल बहुत ही पतले हैं तब भी आप लोग ये बना सकते हो, और अंदर नीचे अगर आपको रबर बैंड लगाना है तो एकदम क्यूट सा कोई भी एक बो ऐसे लगा सकते हो। और फिर ये हो गया है आपका। तो पतले बालों में भी बहुत अच्छा दिखता है ये, एकदम वॉल्यूम दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और फिर आप चाहते हो तो इसको और थोड़ा सा ऐसे पुल आउट कर सकते हो, अगर आपको और थिक चाहिए तो। बट मेरे बाल डमी के ऑलरेडी बहुत थिक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थिक लग रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा नहीं पुल कर रही हूँ। तो आपको अगर लग रहा है तो आप लोग इसको और पुल आउट कर सकते हो। तो ये हो गया है एकदम थिक ब्रेड। अगर आपको ऐसा नहीं भी चाहिए रहेगा ब्रेड, तो ऐसा ब्रेड बना के फिर इसको ऐसे ही रोटेट भी कर दोगे और ऐसे डालोगे, तो भी आपका एक प्यारा सा एक बन भी बन जाएगा, जो आप किसी भी पार्टी में कर सकते हो। इधर आप लोग ये ऐसे ब्रेड को ऐसे छोड़ सकते हो, या तो फिर आप लोग इसको ऐसे ही रोटेट कीजिए और इसको बन के जैसे ऐसे पिंस लगाइए, फिर यू पिंस, यू पिंस से इसको बस ऐसे होल्ड कीजिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा एक आपका बन भी बन जाएगा।
अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो ये जो दो सेक्शंस हमने पहले निकाले थे ना, थोड़ा सा बैक कोम्बिंग करना और फिर ऐसे ऐसे आपको करना है, दैट्स इट। हेयर स्टाइल भी ऐसा ही है गाइस, पुल थ्रू ब्रेड भी कहते हैं। तो बस आपको ऐसे ही पहले एक पोनीटेल डालनी है, तो मेरा पोनीटेल ऑलरेडी है। पुल थ्रू ब्रेड भी बहुत इजी है, आपको वैसे ही एक पहले छोटा सेक्शन लीजिए, पहले एक सेक्शन लीजिए, कोम कीजिए और कोम करके इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और ये जो बाल है ना इसके आपको पीछे से ऐसे लेके आना है उसको, यहाँ पे नीचे, और फिर यहाँ पे नीचे आपको एक रबर बैंड लगाना है। तो ये बहुत इजी है, तो आप लोग वो वाला भी कर सकते हो जो मैंने इससे पहले दिखाया है, आप लोग ऐसे पुल थ्रू ब्रेड भी कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा दिखता है और ये सब जल्दी जल्दी हो जाता है गाइज। मैं अभी आपको बता के ऐसे आराम से कर रही हूँ करके थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना जब ये आप करोगे तो बहुत ही जल्दी कर लोगे। ये हो गया एक, अभी वापस जो बचे हैं बाल उसमें से वापस सेक्शन लीजिए थोड़ा सा, वापस इसको ऐसे डिवाइड कीजिए और इसके नीचे ऐसे लेके आना है आपको। तो हर एक बाल के आपको पूरा भी बाल उठाइए और इसको नीचे रखिए और यहाँ पे आपको रबर बैंड डालना है। अगर आपको डच ब्रेड अगर ये सब आते नहीं है करने तो भी गाइज आप लोग ये सब करोगे तो एकदम वैसा ही लुक आएगा जैसे डच ब्रेड से आता है। और इसमें आप लोग फ्रेंच स्टाइल में भी ये कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी, अभी क्योंकि मैं आप लोगों को इजी इजी हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये इजी वाला दिखा रही हूँ। तो वापस थोड़ा सेक्शन लीजिए, फिर इसको पुल कीजिए और सारे बालों को, ये जितने भी बाल है ना सबको उठाइए और इसे आपको पीछे से रखना है। तो कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए, सारे ऑफिस गोइंग के लिए, सबके लिए दिखा रही हूँ मैं ये। अगर आप घर में भी हो गाइस तब भी आप लोग ये सब हेयर स्टाइल्स कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े ही सेक्शंस लेके ऐसे ये कर रही हूँ, बट आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो पूरा सेक्शन है ना ये पूरा दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हो और फिर इसको भी ऐसे पीछे रख सकते हो, बट मैं क्या कर रही हूँ थोड़े थोड़े ही सेक्शंस ले रही हूँ और फिर इसको हम लोग पीछे रख रहे हैं। बस याद रखिए जब भी पोनीटेल डालते हो जो पहला पोनीटेल है वो रबर दिखना नहीं चाहिए, तो बस एक स्टैंड, हेयर का स्टैंड लीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे उसको बस रैप कर लीजिए और बॉबी पिन लगा लिया एंड में। फिर एंड में आपको बस इसको एक अच्छे से, एक जो भी आपके पास थोड़ा सा अच्छा वाला एक रब बैंड होगा उसके साथ इसको होल्ड कर लीजिए। तो गाइज अभी मैंने अपनी डमी चेंज की है, अगर आपकी कर्ली वेवी हेयर है तो आप लोग क्या कर सकते हो हेयर स्टाइल वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ, फॉक्स फिशटेल ब्रेड। तो अभी प्लीज गाइज इतना याद रखो कि जो भी मैं दिखा रही हूँ वो स्ट्रेट बालों पे भी होगा और इस पे भी होगा, कोई भी कर सकता है। ओके, मैं वापस बता रही हूँ आपको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फॉक्स फिशटेल ब्रेड के लिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा सेक्शन लेना है आपको, ओके, आपके कानों के ऊपर से यहां से लीजिए, ठीक है ऐसे। तो क्या किया मैंने गाइज, यहां से एक स्टैंड और यहां से एक स्टैंड, ओके, दोनों साइड से एक एक स्टैंड लिया है ऐसे, एक रबर बैंड ले रही हूँ और रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर कर रही हूँ। एक बार आप इसे सिक्योर कर लोगे ना उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग ऐसे रख के इसके अंदर से ऐसे ये लेके फिर इसको ऐसे पुल कर सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, या तो गाइज अगर आपके पास ऐसा कुछ टूल नहीं है तो भी चलेगा। आपको बस क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपने जो ये छोटा सा रबर बैंड यहाँ पे ये किया है ना उसके बीच में ये जो गैप है उसके अंदर से आपको इसको बस ऐसे डालना है और इसको बाहर ऐसे निकालना है। तो मैंने अभी क्या किया, दो बार अंदर डाला इसके, एक बार मैंने इस टूल से डाला और दूसरे बार मैंने हाथ से डाल के दिखाया आपको, तो दो बार अभी अंदर डाला है। आप लोग एक बार भी डालोगे तो भी चलेगा और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये ऐसे लूज करना है, दैट्स इट। ये हो गया एक, इसके बाद वापस मैं और एक स्ट्रैंड ले रही हूँ यहाँ से छोटा सा और वापस यहाँ से भी लेंगे। तो अगर आपको ये रबर बैंड दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बताई है, वापस अभी बता रही हूँ मैं। तो आपको छोटा सा एक स्ट्रैंड लेना है और फिर यहाँ पे ऐसे इसको रैप करना है, पूरा अच्छे से रैप कर लीजिए। जब आप रैप एकदम कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक यूपिन रखना है ऊपर, ठीक है, और फिर वो यूपिन को रैप कर लीजिए बचे हुए बालों के साथ।
और रैप करते करते जब आप एकदम एंड में आ जाओगे ना, तो एंड में आने के बाद आपको बस ये यूपिन के अंदर इसको ऐसे डालना है, और फिर ये यूपिन को नीचे से पुल करना है। ओके, तो ऐसे करोगे आप तो ऐसा एक ये टाइट अभी हो गया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, और एक स्ट्रैंड ले रही हूँ। और एक स्ट्रैंड लेके वापस यहाँ पे रबर बैंड लगा रहे हैं। तो अगर आप रबर बैंड हाइड भी नहीं करोगे ना ऐसे स्ट्रैंड लेके, तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग ऐसे जो स्ट्रैंड्स अभी लेने वाले हैं उससे वो छुप ही जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ये गैप में से नीचे से ऐसे ऊपर डालना है इसको रबर बैंड के अंदर। तो ये हो गया एक, और एक बार मैं डाल रही हूँ, दो बार डाल रही हूँ, ताकि और थोड़े यहाँ पे ट्विस्ट आ जाएंगे। थोड़ा टाइट कीजिए और टाइट करके थोड़ा सा इसको लूज कीजिए, और फिर यहाँ पे भी लूज कीजिए। बस अभी थर्ड लीजिए, और अब मैं ये ले रही हूँ और यहाँ पे एक पोनीटेल। वॉल्यूम दिखाना है तो आपको बस ये ऐसे बीच में से खोलिए, आपका एक क्लचर है ऐसे कुछ भी एक रख दीजिए, और फिर ये ऊपर डालिए, और फिर इसको थोड़ा सा हाइड कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही वॉल्यूम आ जाता है एकदम से। बस आपको क्लचर बीच में रखना है और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट भी हो गया, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आ गया। साइड से भी देखोगे तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो ऐसा भी आप लोग हेयर स्टाइल कर सकते हो। और फिर ये रबर बैंड को हाइड करने के लिए आपको बस एक स्ट्रैंड लेना है वापस। वही हमेशा गाइस, रबर बैंड्स को अगर आप ऐसे हाइड करोगे ना, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। और फिर एंड में आप लोग एक यूपिन के साथ भी इसको ऐसे अंदर पुश करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर जैसे मैंने आपसे कहा है, यहाँ पे आपको यूपिन को ऊपर रखना है, उसमें एक दो स्ट्रैंड्स निकालने हैं, यूपिन का जो बीच में का यू है उसमें से आपको ये बालों को डालना है, लास्ट का बचा हुआ जो स्ट्रैंड है एंड का बाल, और फिर आपको ये ऐसे पुल करना है नीचे। तो ये हो गया है गाइस, और यहाँ पे मैंने क्लचर भी रखा है, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आया है और बहुत ही अमेजिंग भी दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। कर्ली वेवी हेयर है तो बहुत अच्छा दिखेगा आपका, बाउंस बालों में कर्ल्स नीचे बहुत प्यारा लगेगा। और अगर आपके स्ट्रेट बाल है तो भी आपको ऐसे ही करना। तो अभी गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो सबसे पहले अभी ये वाले हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, थोड़े से बाल में वापस यहाँ पे सामने छोड़ रही हूँ, और फिर आपको क्या करना है कि अच्छे से कोम कर लीजिए हेयर बाकी के। अगर आपके कर्ली बाल है गाइस, तो आपके वेव्स पे कभी कोम मत करना, उसको ऐसे ही रखना, क्योंकि अगर आप जैसे ही कोम करोगे फ्रिजी हो जाएगा। तो कोम मत करना आपके नीचे के बालों को। पोनीटेल डालिए सबसे पहले, बस थोड़े से बाल यहाँ पे मैंने रखे आगे। अभी पोनीटेल डालने के बाद करना है ऐसे एक यूपिन लीजिए, या तो कुछ भी जो भी आपके पास है, अगर कुछ स्टिक है तो ऐसे स्टिक रखिए, जो भी आपके पास है आपको बस कुछ तो भी यहाँ पे ऐसे रखना है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये यूपिन ही रख रही हूँ। ठीक, अगर आपके पास यूपिन नहीं है तो पेंसिल भी आप लोग रख सकते हो, कुछ भी आपको बस एक सपोर्ट के लिए चाहिए तो ऐसे बीच में बस ऐसे रख दीजिए। ओके, पोनीटेल के बीच में यहाँ पे रखा है। अभी जो ये बाल यहाँ पे रखे हैं ना, उसमें से आपको क्या करना है, तो नीचे से ले रहे हैं बालों को, और फिर यहाँ पे बस रखते जाना है आपको। दैट्स इट, यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद वापस और यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, और फिर लास्ट का एक इधर आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो अगर आप देखोगे अभी ध्यान से, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऐसे लेयर्स बन गए हैं, एकदम फिश टेल के जैसे। तो अभी ये यहाँ पे आपको बस पीछे से होल्ड करना है सबको, और एक रबर बैंड लगाना है। फिर एंड में आपको बस ये यूपिन को ऐसे निकालना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत प्यारे से ऐसे ब्रेड्स आते हैं, और यहाँ पे नीचे से पोनीटेल आता है, तो बहुत प्यारा दिखता है। और पोनीटेल को वॉल्यूम करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक बस छोटा सा सेक्शन लीजिए, क्लच यहाँ पे लगाइए एक, और इसके ऊपर ऐसे बालों को रखिए, तो एकदम पोनी में अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। अगर आपको क्लच नहीं रखना है तो आपको बस थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करना होगा। बैक कॉम्बिंग करके भी अगर छोड़ोगे तब
तभी भी दिखेगा। और बैक कॉम्बिंग करने से अच्छा क्लच रखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा उससे। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है और मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज यही हेयर स्टाइल करते हैं, और मैं भी मोस्टली ब्लेजर पहनती हूँ, कोई भी वी नेक टॉप्स लहंगा कुछ भी पहनती हूँ गाइस, तो यही हेयर स्टाइल करती हूँ। सबसे इजी हेयर स्टाइल है ये और बहुत ही अच्छा दिखता है वेस्टर्न पे, इंडियन पे, हर एक पे। तो अगर आप देखोगे, आपने फोटोज भी डाले हैं, सारे मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज यही लुक करते हैं लहंगा पे, साड़ी पे, सब पे। तो गाइज आपको क्या करना है इसके लिए, आपको बस एक सेंटर पार्टीशन लेना है। पहले तो सबसे पहले एक मिडिल पार्टीशन करना है, ईयर टू ईयर का ऐसे दो सेक्शंस निकालने हैं, और फिर उसके बाद आपको बस यहाँ पे एक बॉक्स सेक्शन लेना है, थोड़ा सा आपको बस एक थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए, दैट्स इट। छोटा सा एक बॉक्स सेक्शन लीजिए ऐसे, थोड़ा सा इसको बैक कॉम्बिंग, थोड़ा सा ऐसे एक पफ आए बस, और फिर इसको स्मूथ कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पफ नहीं चाहिए, फिर वो एकदम ट्रेडिशनल लगेगा, हम लोगों को एकदम वेस्टर्न करना है। तो आप लोग ऑफिस जाते वक्त आपके ट्राउजर्स, शर्ट्स, जीन्स, जिस पे मर्जी है गाइस ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। बस थोड़ा सा ऐसे पफ करना है, और यहाँ के सारे बाल आपको यहाँ पे लेने हैं, हाथ से ही ऐसे लीजिए, और फिर चाहिए तो एक हेयर स्टाइल यहाँ पे ऐसे निकाल के रख सकते हो, इसको ऐसे कर्ल करके यहाँ पे रख सकते हो, अच्छा दिखता है वो भी ऐसे। और फिर आपको बाकी के सारे बालों को ऐसे ही हाथ से लीजिए या कोम करके लीजिए, छोटे छोटे बाल है तो हेयर जेल लगाना होगा। जेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप लोग ले सकते हो हेयर जेल, यहाँ पे थोड़ा सा कोम कर लीजिए अच्छे से, और फिर इसको पूरा पीछे लीजिए ऐसे, और फिर पीछे आपको बस एक पोनीटेल डालना है। तो क्या कर रही हूँ मैं, एक रबर बैंड ले रही हूँ, रबर बैंड के अराउंड ऐसे दो बॉबी पिन्स को डाल रही हूँ, ठीक है। ये बॉबी पिन्स डाला है, ये बीच में रबर बैंड है, दो एंड्स में बॉबी पिन डाला है, और फिर आपको सारे वो बाल लेने हैं। बाल लेके आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पुल आउट कर सकते हो ताकि थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो है बॉबी पिन, पहला बॉबी पिन ऐसे अंदर पुश कीजिए, और फिर इसको रोटेट कीजिए, और जब ये एंड पे आ जाएगा तभी इसको बस थोड़ा ट्विस्ट कीजिए, और ये जब भी आप करोगे गाइस तो ये अपने आप ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और फिर एक हेयर स्ट्रैंड को लीजिए, इसके अराउंड रैप कीजिए, यू पिन रखिए, उसके ऊपर पुल कीजिए, फिर जो एंड के बाल हैं वो यू पिन के यू के अंदर ऐसे डालिए, और फिर ये यू पिन को नीचे से ऐसे पुश कीजिए, हो गया। That's it guys, और ये हो गया है आपका पोनीटेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और बेल बटन भी क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक।